चलिए दोस्तों, हम APS यूनिवर्सिटी रीवा MP का साइट खोलना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है https://APSU, जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है और जिस भी स्टूडेंट को प्रोफाइल देखना चाहते हैं इस लिंक से देख सकते हैं। तो हम इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अवधेश प्रताप सिंह का वेबसाइट खुल चुका है, यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो आपको यहाँ 3 डॉट है राइट की तरफ ऊपर में, उस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर स्टूडेंट, जो कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए है पहले से। तो मैंने यहाँ पर पूछ रहा है इंटर EN रोल नंबर। मैंने जिस भी स्टूडेंट का EN रोल नंबर है उसे यहाँ पर डालना है। मैंने पहले से स्टूडेंट का EN रोल नंबर कॉपी कर चुका हूँ और उस स्टूडेंट का डेट, मंथ और ईयर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 07 अक्टूबर 10 1999। ठीक है, इतना इंटर करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा दिख रहा है, आंसर जहाँ पर लिखा हुआ है। तो 7 प्लस 9 7 प्लस 9 16, 7 प्लस 9 16। ये डालने के बाद आपको शो करना है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया जा चुका है, अतः लॉग इन करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। आपको ओके नहीं दबाना है, क्लिक करने हैं सीधे। तो ये देखिए, ये वेबसाइट का एक मैसेज आज शो कर देता है। यहाँ पर आपको ओके का बटन दबाना है। अब ये देखिए, फिर से आ गया अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश। यहाँ पर इन स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डालना है। पहला तो आपका है यूज़र नेम। यूज़र नेम मैंने उस स्टूडेंट का कॉपी कर लिया है, ये मैंने डाल दिया यूज़र नेम। पासवर्ड है स्टूडेंट का, रेखा 61999। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है 3 प्लस 1 3 प्लस 1 इक्वल 4। ठीक है, अब आपको यहाँ सीधे कुछ नहीं करना, लॉग इन कर देना है। ये देखिए, ये स्टूडेंट का प्रोफाइल खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जिस स्टूडेंट का खोलना चाह रहा था उनका नाम है रेखा सोलवानी। यहाँ पर होम दिया हुआ है, स्टूडेंट प्रोफाइल दिया हुआ है, एग्ज़ाम डिटेल्स है, रीसेट पासवर्ड है, सारी चीज़ें दी हुई है। बाद में आप रीसेट भी पासवर्ड कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो इनका पूरा डिटेल, ये देखिए, इस स्टूडेंट का पूरा डिटेल यहाँ पर शो करता है। इस डिटेल को आप चाहे तो यहाँ ये प्रिंट के बटन में क्लिक करके इसका पूरा प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।